नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबर द न्यूज। भारत की बेटियां किसी भी हालत में बेटों से कमतर नहीं आंकी जा सकती हैं, और बात चाहे अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र की हो, सुरक्षा के क्षेत्र की हो, चिकित्सा की हो या फिर शिक्षा की, हर जगह भारत की बेटियां बेटों से कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके काम कर रही हैं। और पिछले वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश के बिंध के रीवा की बेटी अवनी चतुर्वेदी ने फाइटर प्लेन उड़ा करके इतिहास रच दिया, और इतिहास रचते उन्होंने भारत की पहली महिला फाइटर प्लेन पायलट बनने का भी गौरव हासिल किया, और इस तरह से उन्होंने भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश और रीवा को भी गौरवान्वित करने का काम किया था। अब भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा अवनी चतुर्वेदी को राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया जा रहा है। आपको बता दें कि उन्हें यह पुरस्कार 8 मार्च यानी महिला दिवस को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों दिया जाएगा। बिंध की साहसी बिटिया भारत की पहली फाइटर प्लेन पायलट फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी ने आगामी 8 मार्च को महिला दिवस के दिन राष्ट्रपति भवन में आयोजित गौरवशाली आयोजन में राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार 2019 के लिए चयनित की गई हैं। आपको बता दें कि रीवा की बेटी अवनी चतुर्वेदी ने पिछले वर्ष 2019 में अकेले फाइटर जेट उड़ाकर कीर्तिमान रचते हुए पहली महिला फाइटर प्लेन पायलट बनने का गौरव हासिल किया था, जिससे उन्होंने मध्य प्रदेश को संपूर्ण देश में गौरवान्वित किया था। अवनी चतुर्वेदी को इस पुरस्कार के साथ ही 2,00,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें, महिला बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा प्रेषित पत्र में उल्लेखित किया गया है कि अवनी चतुर्वेदी ने देश की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे समाज के लिए आदर्श व्यक्तित्व हैं। अवनी के पिता दिनकर चतुर्वेदी के मित्र व रिटायर्ड चीफ इंजीनियर शेर बहादुर सिंह ने सुबह इस समाचार को साझा किया। इस समाचार के प्राप्त होने के बाद संपूर्ण बिंध गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपको बता दें कि अवनी चतुर्वेदी के साथ ही साथ कुमारी भावना कांत और कुमारी मोहिना सिंह को भी नारी सशक्तिकरण सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।